नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो प्रजा अपना इतिहास भूल जाती है उसका भूगोल बदल जाता है और भविष्य अंधकारमय हो जाता है। हम सभी ने इतिहास में सिकंदर, बाबर, तैमूर, चंगेज खां जैसे लुटेरों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और सुना है, परंतु हमने बप्पा रावल, ललितादित्य, मुक्तपीड़ा, राजा दाहिर, चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश, सम्राट कृष्णदेव राय जैसे महान राजाओं के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, ना ही हम कुछ जानते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो दोस्तों, आज हम इतिहास के उस महान राजा के बारे में जानने वाले हैं जिनका साम्राज्य सिकंदर चंगेज खां से भी काफी विशाल था। ये कहानी है मौर्य वंश के राजा संप्रति की। वे एक महान सम्राट होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, एक धर्म प्रेमी और दयालु राजा थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्याविधान के अनुसार सम्राट कृष्णदेव ने संप्रति को युवराज घोषित किया, लेकिन उन्होंने अपने नेत्रहीन पिता सुयस कृणाल को राजगद्दी पर बैठाया। सुयस कृणाल ने ईसा पूर्व ईस्वी संवत 238 से 231 तक शासन किया। इसके बाद संप्रति ने अपने भाई दशरथ को राजगद्दी पर बैठाया और उनको संरक्षण प्रदान किया। तो दोस्तों, ये दर्शाता है कि संप्रति को सत्ता से कोई लोभ नहीं था। सम्राट अशोक बौद्ध थे, लेकिन संप्रति ने जैन धर्म स्वीकार किया। तो इसकी ये कहानी भी काफी रुचिकर है। इसका वर्णन जैन धर्म के ग्रंथ परिशिष्ट पर्व में दिया गया है और बृहद कल्प सूत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। उज्जैन में स्वहस्ती आचार स्वहस्ती यात्रा निकाल रहे थे, उस समय संप्रति वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने जब स्वहस्ती को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका स्वहस्ती से जन्मों जन्मों का नाता है। स्वहस्ती भी उनके सामने जब वो गए तो उन्हें कहा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा आपसे जन्मों जन्मों का नाता है। तो स्वहस्ती ने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक बौद्ध भिक्षु थे, तुम एक जैन भिक्षु थे और तुमने इतने श्रेष्ठ काम किए कि उस जन्म के तुम रंक थे, लेकिन आज तुम राजा बन गए हो। उस समय स्वहस्ती ने संप्रति को जैन धर्म की शिक्षा दी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका एवं अन्य देशों में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इसी प्रकार सम्राट अशोक के पौत्र संप्रति ने भी जैन धर्म को विश्व धर्म बनाने के लिए सघन प्रयास किए। सम्राट अशोक के बारे में हमें उनके शिलालेखों से काफ़ी जानकारी मिलती है, परंतु संप्रति के जीवन के विषय में ज़्यादा साक्ष्य हमें सुरक्षित नहीं रखे। लेकिन हेमचंद्राचार्य द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में महान संप्रति के प्रभावशाली चरित्र और विजय यात्रा के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी सम्राट संप्रति को संपई के रूप में उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध इसका इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि महाराज संप्रति ने ईरान और अरबस्तान में जैन संस्कृति के केंद्रों की स्थापना की थी। सम्राट अशोक और सम्राट संप्रति ने भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने में भगीरथ प्रयत्न किए। इंद्रपालित, संगत और विगता अशोक जैसे उपनाम वाले सम्राट संप्रति मौर्य ईसा पूर्व 230 में राज सिंहासन पर विराजमान हुए, परंतु उससे पहले भी वे राजभार संभालते थे। दोस्तों, हमारा दुर्भाग्य कि हमारा इतिहास तैमूर, बाबर, औरंगजेब जैसे लुटेरों के नाम से भरा पड़ा है, परंतु सम्राट संप्रति की विजय गाथा पर इतिहास मौन हो जाता है। सम्राट अशोक के कलिंग के युद्ध का कई शिलालेखों में वर्णन है, परंतु सम्राट संप्रति ने अफगानिस्तान, ईरान, अरबस्तान, बेबीलोन, सीरिया, ग्रीस, इजिप्ट जैसे देशों में अपनी विजय पताका लहराई थी, जिसका इतिहास में कहीं उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलता। ईसा पूर्व ईस्वी सन 332 में सम्राट संप्रति ने नेपाल के पहाड़ी प्रदेश पर विजय हासिल की और यहां से उनकी विजय यात्रा का शुभारंभ हुआ। उस समय नेपाल का राज्य का जो खजाना था, धन रत्न स्वर्ण से भरा हुआ था। सम्राट संप्रति ने नेपाल में शासन करने वाले सूर्य उपासक राजा स्थूको को पदभ्रष्ट किया। पराधीन स्थूको को सम्मानपूर्वक जीवन जी सके उसके लिए उन्हें वार्षिक पेंशन भी दी जाने लगी। इतना ही नहीं, संप्रति ने उन्हें परिवार सहित राजधानी में सम्मानपूर्वक रहने की छूट भी दी। सम्राट संप्रति का उद्देश्य नेपाल में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था।
अन्य देशों पर विजय प्राप्त करने के बावजूद सम्राट संप्रति ने वहां दानशाला, गौशाला, मंदिर, आश्रय स्थानों की स्थापना की। किसी विजेता राजा ने अन्य देशों की प्रजा कल्याण के लिए ऐसे प्रयास कहीं भी नहीं किए थे। इसका कोई भी उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। नेपाल पर विजय प्राप्त करने के बाद सम्राट संप्रति ने तिब्बत और खोतान की पहाड़ी के इलाकों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद सम्राट संप्रति का अगला लक्ष्य था चीन, लेकिन चीन के सम्राट ची वांग पी को इसका एहसास होने पर उन्होंने चीन के चारों ओर विशाल दीवार का निर्माण करवाया। सम्राट ची वांग पी के दीवार बनाने में लाखों मजदूरों की बलि चढ़ाती, भूख से, प्याक से, बीमारी से मरने वाले मजदूरों को दीवार में चुनवा दिया जाता था। कमजोर मजदूरों को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। इस प्रकार से चीन की दीवार का निर्माण हुआ। इसके बाद जमीन मार्ग से चीन पर आक्रमण करना संभव नहीं था, इसलिए सम्राट संप्रति ने अपना विजय रथ तुर्किस्तान के मध्य में स्थित ताशकंद, समरकंद और मर्व जैसे शहरों पर विजय हासिल की और इन क्षेत्रों में भारत के व्यापार वाणिज्य की शुरुआत के साथ साथ जैन धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। उस वक्त सम्राट संप्रति ने ईरान से लेकर इजिप्त तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। सम्राट संप्रति ने अपने समय में अरबस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान, तिब्बत, चीन, ब्रह्मदेश, श्रीलंका, सीरिया जैसे देशों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जैन मंदिरों की उन्होंने स्थापना की। उस समय इस्लाम धर्म का कोई वजूद भी नहीं था, तब इन देशों की प्रजा पर हिंदू और जैन धर्म का अद्भुत प्रभाव था। हंगेरी के बूडापेस्ट शहर के नज़दीक एक बगीचे में प्राचीन जैन प्रतिमा मिली है जो सम्राट संप्रति के समकालीन शासन काल की है। मंगोलिया में भी जैन धर्म की कई प्रतिमाएं मिली हैं। सम्राट संप्रति ने आर्य देश के जिन प्रदेशों पर विजय प्राप्त की उनका उनके राजाओं का सम्मेलन किया गया। आर्य महागिरी सूरी और महाराज और आर्य सुहस्ती सूरी महाराज जैसे प्रखर प्रज्ञानियों ने जैन धर्म के सिद्धांतों और अहिंसा का संदेश राजाओं को समझाया। इन राजाओं ने अपने राज्यों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और जैन मंदिरों की स्थापना की। सम्राट संप्रति को लगभग 8,000 राजा सालाना जकात देते थे। सम्राट संप्रति ने 1,25,000,000 जिन प्रतिमाओं और 1,25,000,000 जैसे चैत्यों का निर्माण करवाया था। उन्होंने सिक्के चालू किए जिनके एक तरफ संप्रति मोर और दूसरी तरफ स्वास्तिक का चिन्ह होता था। सम्राट संप्रति के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 50,000 का हस्ती दल था, 9,00,000 सैनिकों का रथ दल था, 1,00,000,000 का अश्वदल और 7,00,000,000 पैदल सैनिक थे। उस समय के ग्रंथों के अनुसार जैनों की संख्या भारत देश में 40,00,000,000 थी। सम्राट संप्रति ने 13,000 जलाशय, अनेक दानशाला, अनेक धर्मशाला, गौशाला, राजमार्ग और उद्यानों का निर्माण किया। पूरे इतिहास को खंगालने पर भी हमें सम्राट संप्रति जैसा दयालु राजा का कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। लेकिन इतिहास दुख की बात यह है कि ऐसे महान राजाओं का हमारे इतिहास में कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। यह हमारे लिए दुख की बात है। दोस्तों, ऐसे ही भारत के महान वीरों के जान के विषय में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।